ट्रांजेक्शन एनालिसिस इसको शॉर्ट टर्म टी ए से डिनोट करते हैं देखिए ट्रांजेक्शन का जनरल मीनिंग क्या होता है कि जब आप लेन देन करते हैं ट्रांजेक्शन करते हैं ना कि आपने किसी को पैसा भेज दिया या फिर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो प्रोडक्ट मिला और आपने वापस उसको पैसा दे दिया तो ये ट्रांजेक्शन होता है उसी तरीके से जब आप कम्युनिकेशन करते हैं या फिर किसी के साथ बिहेवियसो करते interpersonal कर, तो करते हैं इंटरपर्सनल बिहेवियर में खासकर तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कम्युनिकेशन एक्सचेंज करते हैं यानी कि आप सामने वाले से कोई बात करते हैं सामने वाला उसका रिप्लाई देता है तो ये जो आपने बातचीत की बातचीत का एक्सचेंज किया वही चीज क्या होती है ट्रांजेक्शन एनालिसिस होती है किसमें इंटरपर्सनल

तो दूसरा रिप्लाई करता है तो द स्टडी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन बिटवीन पीपल इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन के बीच में वो कब कैसे कहां पे क्या होती है वो सारी चीज़ें एनालाइज करना है, क्या कहलाता कहलाता है कह है एनालिसिस तो चीजेंशन एनालिसिस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होते हैं जैसे कि जोहारी विंडो हो गया लाइफ स्क्रिप्ट हो गया लाइफ पोजिशन हो गया ट्रांजेक्शन के टाइप्स हो गए ईगो स्टेट हो गया तो एक एक करके हम देखेंगे तो यहां पर मेन ट्रांजेक्शन में, में क्या होता है कि इट रिक्वायर्स टू अवेयर ऑफ हाउ वी फील थिंक एंड बिहेव ड्यूरिंग इंटरेक्शन विध

तीन ईगो स्टेट से मिलके बनी है और ईगो स्टेट क्या होता है ईगो स्टेट वो स्टेट होता है जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या सोचते हैं क्या फील करते हैं कैसा बिहेव है करते हैं फिर अपनी पर्सनैलिटी कैसे शो करते हैं उस स्टेट को हम ईगो स्टेट कहते हैं तो एन एंटायर सिस्टम ऑफ थॉट फीलिंग एंड अदर एंड बिहेवियर फ्रॉम विच वी इंटरेक्ट विथ ईच अदर यानी कि किस uh, थॉट के साथ किस फीलिंग के साथ किस बिहेवियर के साथ हम जो है दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं उसी को इगो स्टेट कहते हैं और नॉर्मली तीन टाइप के एगो स्टेट होते हैं पेरेंट एडल्ट एंड चाइल्ड ईगो स्टेट होता है तीन टाइप है पेरेंट इगो स्टेट

इगो स्टेट में दूसरा पेरेंट इगो स्टेट में भी है तो वो क्या होता है उनके बीच में होता है उसी, है उसी से एनालिसिस थ्योरी जो वो डेवलप होती है फाउंडेशन ही इसका यही है कि कैसे एक इगो स्टेट से दूसरे इगो स्टेट में बातचीत हो रही है ठीक है तो पेरेंट इगो स्टेट क्या होता है पहले हम देखेंगे तो पेरेंट इगो स्टेट क्लियर हो गया कि जब आप अपने पेरेंट को या फिर पेरेंटल फिगर को कॉपी करते हो ए स्टेट पीपल बिहेव फील एंड थिंक एज देयर पेरेंट और पेरेंटल फिगर डिड यानी कि आप जो है एक पेरेंट जैसे आपके पेरेंट करते थे वैसा ही आप भी कर रहे हो वैसा ही आप भी फील कर रहे हो थिंक कर रहे हो फिर बिहेव कर रहे हो तो वो चीज़ कौन सा स्टेट कहलाएगी वो

पेरेंट एगो स्टेट में है क्लियर यानी कि जब आप पेरेंट वाली बातें करते हैं जब आप पेरेंट्स की जैसा फील या बिहेवियर थिंक करते हैं तो वो चीज ट इगो स्टेट कहलाती है पेरेंट स्टेट में दो टाइप के होती हैं क्रिटिकल पेरेंट और एक होता है नर्चरिंग पेरेंट क्रिटिकल पेरेंट मतलब कि क्रिटिकल एंड एवाल बिहेवियर यहाँ पे आप शो करते हो यानी कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट आपने देखोगे जो लेक्चर धरने लगते हैं जो क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं या फिर बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ये क्रिटिकल पेरेंट कहलाते हैं वहीं पर नर्चरिंग पेरेंट ऐसे पेरेंट्स जो या ऐसा पर्सन जो कंसोल करता है जो दूसरों का ध्यान रखता है सिंपथी शो करता है तो नर्चरिंग पेरेंट इगो स्टेट हो गया क्लियर यहाँ पर मतलब नहीं कि आप पेरेंट हो है कि आप पेरेंट जैसा बिहेव करते हो आप पेरेंट जैसा फील करते हो, आप पेरेंट जैसा सोचते हो, यहाँ ये कहने का मतलब है, पेरेंट हो आप नहीं है, याद रखेगा फिर एज अ चाइल्ड बिहेव कर रहे हो ठीक है कहते ना क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो तो वही चीज कि आप कैसा कि किसी पर्टिकुलर टाइम कर रहे हो तो एक तो हो गया पेरेंट स्टेट यानी कि जब आप लेक्चर देने लगते हो किसी बात पे क्रिटिसाइज़ करते हो या फिर बताते हो कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था या किसी को कंसोल कर रहे हो या फिर उसका ध्यान रख रहे हो बड़ों की तरह या फिर सिंपथी शो कर रहे हो तो यहाँ पे आप पेरेंट ईगो स्टेट में हैं इसी तरीके से अगला आता है एडल्ट ईगो स्टेट एडल्ट ईगो स्टेट सिंपल सा है जो है अभी है और इसी के हिसाब से आप जज करते हो ठीक है ए सेट ऑफ बिहेवियर थाट एंड फीलिंग विच आर डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द हियर एंड नाउ यानी कि अभी आपने कैसा काम किया है उसके बेसिस पर आपको जजमेंट दिया जाता है तो ये क्या होते हैं रेशनल होते हैं और अवेयर होते हैं एडल्ट ईगो स्टेट कॉपीड फ्रॉम पेरेंट फिगर और चाइल्डहुड फिगर यानी कि ये पेरेंट ने हमारे कैसा किया था उसके हिसाब से नहीं बिहेव करते हैं फिर बच्चों जैसा बिहेव नहीं करते हैं ये जैसा आपने काम किया है उसके अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करके रेशनल तरीके से और आपको जो है कम्युनिकेट uh, करेंगे तो एडल्ट एडल्टो स्टेट फॉर्मेशन गोस थ्रो ऑन एक्सपीरियंस एंड कंटिन्यूसली वेरीफाइंग दी फैक्ट्स यहां पे क्या होता है एडल्ट एडल्टिगो में कि आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जजमेंट देते हो फिर कम्युनिकेट करते हो और उस फैक्ट्स को वेरीफाई भी करते हो बार बार नॉलेज के बेसिस पे लर्निंग के बेसिस पे तो वो एडल्ट एगो स्टेट होता है क्लियर यानी कि आपसे किसी ने कम्युनिकेट किया तो उसका रिप्लाई भी आप उसके हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और अपने जो आपने नॉलेज गेन किया उसके बेसिस पे रिप्लाई करोगे या पेरेंट्स के अकॉर्डिंग या फिर चाइल्डिस्ट इगो स्टेट के अकॉर्डिंग आप बात नहीं करोगे चाइल्ड इगो स्टेट क्या हो जाएगा चाइल्ड इगो स्टेट क्लियरली है सिंपल सा है कि आप जैसे बच्चे को बच्चों जैसी हरकतें करते हैं स्टेट इन विच पीपल बिहेव फील एंड थिंग सिमिलरली टू हाउ दे डिड इन चाइल्ड यानी कि आपने बचपन में कैसा बिहेव किया था उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अभी किसी पर्टिकुलर टाइम पर बिहेव करते हो तो वो चाइल्ड इगो स्टेट कहलाता है क्लियर बी हैव इलॉजिकली एंड टेक्स क्विक एक्शन टू सेटिस्फाई द इमीडिएट नीड विदाउट थिंकिंग द कॉन्सिक्वेंसेज तो यहां पर क्या होता है कि जब कोई पर्सन इलॉजिकली और तुरंत एक्शन ले लेता है बिना यह सोचे हुए कि आगे कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा तो वो बचकानी हरकत हो जाती है चाइल्ड इस एक्ट हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड चाइल्ड इगो स्टेट अब एग्जाम्पल के तौर पर ए पर्सन हु रिसीव्स अ पुअर इवालुएशन एट वर्क में रिस्पॉन्ड बाई लुकिंग एट द फ्लोर एंड क्राइंग और पाउटिंग तो होता क्या है बचपन में आपने देखा होगा आपके मार्क्स कम आ जाते होंगे तो मम्मी पापा आपको डांट लगाते होंगे तो आप क्या सर नीचे कर लेते हो आंखें झुका लेते हो तो सिमिलरली जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई बच कोई काम खराब हुआ तो आपके सुपीरियर ने आपको डांटा या फिर कॉलेज में आपके टीचर ने आपको डांटा फैकल्टी ने आपको डांटा तो आप आंखें सर नीचे कर लेते हो आंखें झुका लेते हो तो ये क्या है ये चाइल्ड स्टेट यानी कि आप उस वक्त चाइल्ड स्टेट में चले गए क्लियर ए पर्सन हु रिसीव ए गुड इवोल्यूशन में रिस्पॉन्ड विद अ ब्रॉड स्माइल एंड जॉयफुल गेस्टर ऑफ थैंक्स तो इसी तरीके से जब आपकी तारीफ होती थी बचपन में तो आप एकदम एकदम खुल खिला के हंसने लगते थे स्माइल आ जाता था उसी तरीके से जब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कॉलेज में हैं तो वहाँ पे जब आपकी तारीफ होती है तो वहाँ पे भी आप उसी तरीके से चेहरा खिल जाता है स्माइल आने लगती है जॉयफुल आईफुल गेस्टर आ जाता है तो वो चाइल्ड इगो स्टेट हो जाता है ठीक है तो चाइल्ड इगो स्टेट में तीन स्टेट होते हैं नेचुरल एडाप्टिव एंड रिवेलियन नेचुरल यानी कि जो नेचुरली परफॉर्म करते हैं जो एक्टिविटीज़ बच्चे नेचुरली परफॉर्म करते हैं एडाप्टिव क्या हो गया कि उन्होंने माँ बाप ने जो सिखाया फिर दादा दादी ने जो सिखा दिया उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं चाइल्ड में ही है लेकिन उसके अकॉर्डिंग काम नहीं तो एडाप्टिव हो गया एडॉप्ट किया उन्होंने किसी से और रिवेलियन रिवेलियन क्या होते हैं ऐसे लोग जो गुस्से में होते हैं डर लगता है फ्रस्ट्रेशन में होते हैं जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं वो रिवेलियन टाइप के चाइल्ड इगो स्टेट हो गया तो यही

तो आप जब आप सपोज करें कि एक पर्सन जो है पेरेंट स्टेट पर बात करें तो सामने वाले से किस स्टेट से रिप्लाई आ रहा है पेरेंट स्टेट से एडल्ट स्टेट से फिर चाइल्ड स्टेट से तो वही चीज उसी के बेसिस पर जो है आप यहां पर ट्रांजेक्शन को डिवाइड कर लेंगे अगर पेरेंट ईगो स्टेट यानी कि इंडिविजुअल जो एक इंडिविजुअल है वो पेरेंट ईगो स्टेट में कुछ पूछता है कुछ बोलता है और सामने से भी पेरेंट ईगो स्टेट से ही रिप्लाई आता है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजक्शन यानी कि वहाँ पे क्या होगा पैरल ट्रांजेक्शन होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजक्शन होगा ट्रांजेक्शन तीन टाइप के होंगे कॉम्प्लीमेंट्री नॉन कॉम्प्लीमेंट्री और अल्ट्रीट ट्रांजेक्शन तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन कब होगा जिस इगो स्टेट में एक पसन ने पूछा है या बात की है सामने वाले से भी उसी स्टेट से रिप्लाई आया है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन होगा वैन द स्ट्यूमलेस एंड रिस्पॉस पैटर्न फ्रॉम वन ईगो स्टेट टू अनदर आर पैरलर तो ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन होता है देआर नाइन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन टोटल नाइन बनेंगे तीन एक पर्सन के साइड से तीन दूसरे पर्सन के साइड से और तीनों जब मैच करें तो नाइन होता है जैसे कि सपोज करें कि पेरेंट ने पेरेंट इगो स्टेट से पेरेंट इगो स्टेट पेरेंट इगो स्टेट, स्टेट से एडल्ट इगो स्टेट पेरेंट इगो स्टेट से चाइल्ड इगो स्टेट इसी तरह से एडल्ट का पेरेंट एडल्ट और चाइल्ड का बनेगा इसी तरीके से चाइल्ड का पेरेंट एडल्ट और चाइल्ड के साथ जो है वो कॉम्बिनेशन बनता है तो टोटल नाइन कॉम्बिनेशन पे बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन बनते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की केस में बात करें तो वहां पर एडल्ट टू तो एडल्ट जो एगो स्टेट होता है वही आइडियल होता है क्लियर तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि बोथ पर्सन आर सेटिसफाइड एंड कम्युनिकेशन इज कम्पलीट क्यों क्योंकि जिस ईगो स्टेट से आपने बात की उसी इगो स्टेट से सामने से रिप्लाई आया है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा और सेटिस्फाई भी होंगे क्लियर आप सपोज करिए कि किसी पर्सन ने पूछा कि व्हाट इज योर नेम तो आपने सामने वाले ने उसने अपना नाम बताया कि माय नेम इज़ मिस्टर एक्स तो यहां पे क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन हुआ और यहां पे कम्युनिकेशन कंप्लीट भी हो गया लेकिन अब सपोज करिए आप पूछे व्हाट इज योर नेम सामने वाला बता रहा है कि यार मैं आज लेट हो गया तो ये क्या है ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन नहीं हुआ दैट इज़ क्रॉस कम्युनिकेशन या क्रॉस ट्रांजेक्शन हो गया जो कि हम आगे देखेंगे तो एग्जाम्पल आप दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन वन की पर्सन वन यानी जिसने हम स्टूलस कहते हैं उसने पूछा आई लाइक योर शर्ट तो वहीं पर पर्सन टू जिसको हम रिस्पॉस कहते हैं उसने बोला थैंक यू इट्स अ न्यू परची यानी एडल्टून

उट इनिंग तो से? से बात हुई सामने से भी कॉम्प्लीमेंट्री तो ट्रांजेक्शन हो जाता है नेक्स्ट है नॉन कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉस ट्रांजेक्शन यहां परम्युनिकेशन नहीं होता यानी कि अगर जो इंडिविजुअल वन है वो चाइल्ड इगो स्टेट से बात करता है तो सामने वाला पर्सन हो सकता है वो चाइल्ड इगो स्टेट से रिप्लाई ना करके वो एडल्ट इगो स्टेट या फिर पेरेंट इगो स्टेट से रिप्लाई करे तो उस केस में क्या हो जाता है वो क्रॉस ट्रांजेक्शन हो जाता है यानी नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पैलर नहीं होता है आप सपोजिए कि एक पर्सन ने चाइल्ड इगो स्टेट में बोला कि ओ माई गॉड दैट मैन हैज स्टोल द पर्स ऑफ दैट गर्ल uh, तो वहां पे क्या होगा सामने वाला जो पर्सन है वो रिप्लाई करता है वो चाइल्ड इग्स नहीं बल्कि वो एडल्ट इग्वेस्ट से रिप्लाई कर देता है कि आई एम नॉट सरप्राइज आई जस्ट सॉ हाउ यू स्टिल हर सीट या हिज सीट तो यानी कि सामने वाले ने बोला कि मैंने भी देखा कि तुमने कैसे उसकी सीट चुराई तो यहां पे क्या हो गया एडल्ट स्टेट हो गया इवालुएटिव स्टेटमेंट हो गया जजमेंटल रेशनल ठीक है तो वहां पर चाइल्ड जो है रिप्लाई आएगा या फिर जो है पेरेंट स्टेट से रिप्लाई आएगा लेकिन एडल्ट स्टेट से आता है तो क्रॉस हो गया चाइल्ड स्टेट से बात की चाइल्ड स्टेट से आता रिप्लाई तो वो पैलर होता है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होता लेकिन चाइल्ड स्टेट से बात की मैसेज जो है रिप्लाई जो है वो एडल्ट स्टेट से आ रही है क्या हो गया क्रॉस ट्रांजेक्शन हो गया तो वैन द स्टूमलेस एंड रिस्पांस पैटर्न फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर है कि मैंने कुछ पूछा आपने कुछ रिप्लाई किया तो बट ऑब हमारा भी नहीं और हम सेटिस्फाई भी नहीं हुए जैसा कि हमने एग्जाम्पल दिया था किस चीज का कि आपने पूछा सामने वाले से वॉट इजो ने और सामने वाला बताया कि आई लिव इन इलाहाबाद तो यह क्या है क्रॉस ट्रांजेक्शन हो गया यानी कि नॉन कॉम्प्लीमेंट हो गया इसी तरीके से जो तो मतलब नेक्स्ट आता है कि आपने भी देखा होगा अपने दोस्तों से या फिर कॉलेज में क्लास के अंदर आप बात कर रहे हो तो आप बोलते कुछ और हो लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है सारा कुछ और करते हो लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है पब्लिकली कोई और कुछ और समझेगा लेकिन उसका मतलब जो सामने वाला है वो कुछ और ही समझता है तो हिडन मैसेज होता है डुअल मीनिंग होता है तो यहां पे क्या होता है कि वेन मैसेज आर कन्वेड देर इज वन ओवर्ट मैसेज एंड वन इज कोवर्ट मैसेज ओवर मैसेज जो ओपन होता है सभी को वो मैसेज दिखाई देगा लेकिन जो कोवर्ट मैसेज है कि छुपा होता है वो सिर्फ उसी को समझ में आएगा जिसको आपने कम्युनिकेट किया है तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सपोज है कि सबॉर्डिनेट होता है वो पूछता है यानी कि जो काम कर रहा होता है वर्कर्ज होता है वो पूछता है अपने सुपीरियर से कि हाउ इज माई वर्क परफॉर्मेंस सर वो पूछता है कि मेरा काम कैसा है तो सुपीरियर को पता होता है कि इसका काम बेकार होता है लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है इट्स वंडरफुल तो यहाँ पे क्या है डबल मीनिंग है यहाँ पे क्या है वो डबल मीनिंग है सुपीरियर के अंदर में क्या है कि है लेकिन अब उसके सामने बोले वंडरफुल जैसे आपने देखा होगा कि आप जब कोई गलती करते हैं तो मम्मी पापा पेरेंट्स कहते होंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा लेकिन एक्चुअली में बहुत अच्छे का मतलब बहुत अच्छा नहीं होता है क्लियर तो इसी को हम क्या कहते हैं अल्ट्रीएफर डुप्लेक्स ट्रांजेक्शन कहते हैं तो कि आपको समझ में आएगा विश्व ऑल द बेस्ट की पॉचिंग